हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज बात करते हैं एक सोनन एनिमे की। ये मेरा दूसरा सोनन एनिमे है जो मैंने देखा है नारुतो के बाद। वैसे मुझे पता नहीं था इस टाइप के एनिमे को सोनन एनिमे कहते हैं, पर थोड़ा सुनने और गूगल सर्च मारने के बाद पता चला कि थोड़े से ज्ञान, एक चुटकी ह्यूमर और एक बच्चे के कुछ नहीं से कुछ बनने की कहानी को ही सोनन एनिमे कहते हैं। तो ऐसे ही एक सोनन एनिमे सीरीज है डीमन स्लेयर, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये स्टोरी है एक बच्चे कामादा तांजिरो की, जो कि एक ऐसे परिवार से आता है जो अपना घर चलाने के लिए कोयलों का व्यापार करते हैं। ऐसे ही एक दिन तांजिरो कोयले बेचने दूर गांव में जाता है, और जब वो सारे कोयले बेचकर अपने घर में वापस पहुंचता है तो वो अपने पूरे परिवार को मरा हुआ पाता है। पर उसकी छोटी बहन नेजुको की सांसें चल रही होती हैं, तो वो उसको डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। पर अचानक उसकी बहन उस पर हमला कर देती है, और तांजिरो पाता है कि उसकी बहन एक डीमन में बदल चुकी है। ये सोनन एनिमे के पहले एपिसोड की 10 मिनट की कहानी है। तो इससे आगे तांजिरो अपनी लाइफ में क्या करता है, ये सीरीज का मेन प्लॉट है। इस एनिमे का जो एनिमेशन है वो कुछ अलग ही लेवल का है। इससे अच्छा एनिमेशन मिलना कोई दूसरी सीरीज में वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और जो एनिमेशन की सीमाएं तोड़ते हुए इसके फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं, एकदम चुम्मा वाले हैं। साथ ही उनके जो कलरों का यूज़ किया गया है वो कुछ और ही है। वैसे ह्यूमर तो काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ हुई, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे इसका जो ह्यूमर है वो काफ़ी सही लगा, लेकिन कुछ जगहों पर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। जो स्टोरी की पेसिंग है वो काफ़ी सही रखी गई है। एक बार आपने इसे देखना शुरू किया तो आपको पता नहीं चलेगा कि एपिसोड कब शुरू हुआ और कब खत्म। कहते हैं ना, जो किसी की ताकत होती है वो उसकी कमजोरी भी बन सकती है। वैसे ही स्टोरी की पेसिंग की वजह से आपको किसी करेक्टर से कनेक्ट होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसा मैंने कहा कि ये एक सोनन एनिमे है, तो ये अपने एक टिपिकल स्टोरी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो उस कारण कुछ फाइटों का रिजल्ट और एक मेन कैरेक्टर का काफ़ी ज्ञानी और दयावान होना बनता है। यही इसे बाकी अच्छी स्टोरियों से अच्छी स्टोरी होने में थोड़ा पीछे खींच देता है। आप इसे ऑफिशियली नेटफ्लिक्स इंडिया में इंग्लिश सब टाइटल के साथ देख सकते हैं। इसकी अभी तक 2 सीजन और एक मूवी आई है, ऐसे इसकी मूवी देखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसका दूसरा सीजन शुरू से यानी कि मीगन ट्रेक आग से देखेंगे, तो इसकी जो मूवी है वही इसके दूसरे सीजन के म्यूगन ट्रे आग का एक वन शॉट एपिसोड है। इसके पहले सीजन में 26 एपिसोड हैं जो कि पूरे कनेक्टेड हैं, और इसके दूसरे सीजन में 18 एपिसोड है अगर आप म्यूगन ट्रे आग भी देखते हैं। और अगर आपको इसे इंग्लिश डब में देखना है तो आपको कुछ गूगल सर्च करने होंगे, और शायद आपको थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है सभी एपिसोड देखने के लिए। अगर आपको एक फाइटिंग डिलक्स देखना है, और वो भी काफ़ी अच्छे एनिमेशन और थोड़े से ह्यूमर के तड़के के साथ, ये एक मस्ट वॉच सीरीज है। अगर आपको भी मेरी तरह आनंद की अनुभूति प्राप्त करनी है तो आप इसे अपना टाइम दे सकते हैं, और आपका दिया हुआ टाइम ये पूरी तरीके से पैसा वसूल कर देगी सीरीज।